नमस्कार साथियों, यदि आप भी अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट अर्थात चरित्र प्रमाण पत्र खुद से बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट किस प्रकार से अपने मोबाइल, लैपटॉप या पीसी से खुद से अप्लाई करके बना सकते हैं घर बैठे। तो साथियों, शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि किस प्रकार से कैरेक्टर सर्टिफिकेट को अप्लाई किया जाता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले क्रोम को खोलेंगे और गूगल में आप टाइप कीजिएगा सर्विस प्लस। सर्विस प्लस टाइप करके एंटर कीजिएगा तो नया पेज खुलेगा। उसके सबसे ऊपर में आप देखिएगा RTPS का जो ये लिंक है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करते ही RTPS का ऑफिशियल साइट खुल जाएगा। ऑफिशियल साइट खुलने के बाद आप यहाँ पे जो देख रहे हैं दाएं साइड में लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही एक पॉपअप खुलेगा और लॉगिन के लिए आगे बढ़े इस बटन पे क्लिक करते ही आप लॉगिन वाले पेज पे चले जाइएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, आप लॉगिन वाले पेज पे जाने के बाद आपके पास आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड होना चाहिए। यदि आपके पास मेरी पहचान का यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप यूजर नेम और पासवर्ड बनाने के लिए न्यू यूजर जो सबसे नीचे में है, ब्लू कलर में लिखा हुआ है साइन अप फॉर मेरी पहचान, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा आपको यूजर नेम और पासवर्ड बनाने के लिए। दोस्त, इस पे सबसे पहले आप मोबाइल नंबर दीजिएगा और जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल पे और ओटीपी एंटर करने के बाद आपका मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिलेक्ट जेंडर में मेल या फीमेल जो भी हो उसमें डालिएगा। सजेस्टेड यूजर नेम डालिएगा दोस्तों, सजेस्टेड यूजर आईडी डालना है इसमें दोस्तों। ये ईमेल आईडी की तरह है, बस इसमें @ के बाद janparichay.gov.in रहेगा। फिर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन करके वेरीफाई कीजिएगा, आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा जो कि आप मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर पाइएगा। तो अब इसके बाद दोस्तों, मेरा यूजर नेम और पासवर्ड बना हुआ है, इसकी वजह से मैं इसमें क्रिएट करके नहीं दिखा रहा हूँ। अब हम चलते हैं डायरेक्ट इसके ऑफिशियल साइट पे और लॉगिन करके हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र हम अपने लैपटॉप या पीसी से घर बैठे बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं लॉगिन करके। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम RTPS की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं और लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करके हम अपना आईडी लॉगिन करेंगे और फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करना शुरू करेंगे। लॉगिन करने के लिए दोस्तों, यूजर नेम जो आपने बनाया होगा या फिर मोबाइल नंबर या अदर्स किसी से भी आप अपना आईडी लॉगिन कर सकते हैं। मैं अपने मोबाइल नंबर से अपना आईडी लॉगिन कर रहा हूं। इनके कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उन पे टिक करके फिर साइन इन वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा। ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे, रजिस्टर्ड मोबाइल पे। ओटीपी आने के बाद इसमें आप ओटीपी एंटर कीजिएगा और आप लॉगिन हो जाइएगा। ओटीपी डाल दिए दोस्तों, अब हम अपना आईडी साइन इन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, सर्विस प्लस का ऑफिशियल वेबसाइट पे मेरा साइन इन हो चुका है। साइन इन होने के बाद दोस्तों, हमें जो भी प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करना है वो अप्लाई फॉर सर्विसेज है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद नीचे जो है व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, जो पेज खुलेगा हम उसमें सर्च करेंगे। खुल गया है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, दाएं साइड में ये सर्च वाला जो बॉक्स है इसमें हम टाइप करेंगे कैरेक्टर CHARA। देखिए दोस्तों, इश्यूएंस ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आ गया है होम डिपार्टमेंट, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, देखिए कैरेक्टर का जो फॉर्म है वो खुल गया है। इस पे आपको अपना सारा डिटेल्स डालना है। सबसे पहले डालेंगे आप अपना जेंडर डालिएगा, जैसे कि मेल है तो आप मेल डालिएगा। एप्लीकेंट का नेम डालिएगा। एप्लीकेंट का नाम डालने के बाद दोस्तों, इनके पिताजी का नाम जो है नीचे है, नीचे फादर्स नेम उसमें डालिएगा। फिर नीचे माँ का नाम डालना है दोस्तों। आप इंग्लिश में लिखते जाइएगा और हिंदी में स्पेस डालने के बाद खुद ब खुद वो ले लेगा। इस पे आप अपना मोबाइल नंबर जरूर डालें ताकि इसी मोबाइल नंबर पे पुलिस स्टेशन से आपको फोन आएगा वेरिफिकेशन के लिए। और फिर ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी इसलिए डाले, इस पे आपका रिसीविंग और सर्टिफिकेट बनने के बाद आपके ईमेल आईडी पे चला आएगा। फिर आप अपना स्टेट बिहार रहेगा दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट डालिए, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से है। डिस्ट्रिक्ट के बाद सब डिवीजन यानी कि अनुमंडल डालना है। फिर आपका जो ब्लॉक है दोस्तों, प्रखंड का नाम डालना है। उसके बाद आपके गाँव का नाम डालना है।
फिर पोस्ट ऑफिस नीचे जो है, एक भी स्टार मार्क जिसमें लगा है दोस्तों, देख रहा है यहाँ भी स्टार लगा है, यहाँ भी रेड स्टार है, रेड स्टार, एक भी कॉलम स्टार वाला नहीं छोड़ना है। वार्ड नंबर छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको पता है वार्ड नंबर क्या है, तो वार्ड नंबर जरूर डाल दीजिए दोस्तों, स्पेसिफिक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यदि आप ग्राम पंचायत से है या फिर नगर निगम से है, नगर पंचायत, नगर परिषद, किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वो अपना क्षेत्र चूज कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे ग्राम पंचायत से है तो ग्राम पंचायत डालेंगे। वर्तमान पता यदि आपका सेम है तो आप इस पे टिक टिक कीजिएगा, अन्यथा आप दूसरे जगह रह रहे हैं तो वो एड्रेस इसमें भरना है। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें अपना फोटो अपने फाइल से चूज करके, फोटो के बाद दोस्तों नीचे कुछ डिटेल्स है, आपका पेशा क्या है, आप जिस भी पेशा है, ये छात्र है, सरकारी सेवा, निजी सेवा, व्यापार, किसान, गृहिणी या फिर किसी और सर्विसेज के लिए। तो दोस्तों ये प्राइवेट सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमने प्राइवेट सेवा डाल दिया है, प्राइवेट सर्विस यानी कि निजी सेवा। आप गवर्नमेंट के लिए डाल रहे हैं तो गवर्नमेंट डाल दीजिए, या अन्यथा अदर कोई है तो उसमें अदर टिक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे उद्देश्य दिया गया है, आप किस उद्देश्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस उद्देश्य पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ने के बाद दोस्तों आप पिछला 2 साल से कहाँ कहाँ रहे हैं वो डिटेल्स इसमें भरना है। इसमें पिछले 2 वर्ष का रिकॉर्ड भरना है दोस्तों, आप पिछले 2 साल कहाँ जहाँ रहे हैं वो रिकॉर्ड इसमें भरना है। उसको भरने के बाद दोस्तों कैप्चा फिल करना है, इस वर्ड वेरिफिकेशन कैप्चा है, इस वर्ड वेरिफिकेशन कैप्चा पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप सबमिट और ड्राफ्ट दोनों पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा आप ड्राफ्ट पे कीजिए ताकि आपका एप्लीकेशन बीच में छूट जाए तो आपका डाटा सेव रहे, इसलिए आप ड्राफ्ट पे क्लिक कीजिएगा। मैं भी अभी ड्राफ्ट पर ही क्लिक कर रहा हूँ, ड्राफ्ट पे क्लिक कर दिए, ये पॉपअप मैसेज खोल के आया है दोस्तों, योर ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर इज ड्राफ्ट BCHC करके आया है, इस पे क्लिक करेंगे यही हमारा एप्लीकेशन नंबर बनेगा। इस पे क्लिक करते ही दोस्तों आप देखिएगा कि ये सारा डिटेल्स फिल हो जाएगा, और कुछ कुछ डिटेल्स जो होगा जैसे कि दोस्तों डिस्ट्रिक्ट को वापस फिर से हमें सेलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद अनुमंडल, अनुमंडल के बाद ब्लॉक, और बाकी सब पहले की तरह सब भरा हुआ है दोस्तों। पंचायत हम फिर से सिलेक्ट करेंगे, ग्राम पंचायत जो था, फिर से इसमें हम वर्ड वेरिफिकेशन के लिए वर्ड टाइप करेंगे, अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा यह लास्ट पेज खुल के आएगा जो कि इसमें डॉक्यूमेंट को अटैच करना है, जैसा कि आप नीचे में देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो भी जो है प्रीव्यू, आप उसे ध्यान से देख लीजिएगा, यदि इसमें कुछ गलत लगे तो आप उसको अभी एडिट करके सही कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे है 2 ग्रीन कलर बॉक्स जो है, इसमें अटैच एनेक्चर है और दूसरा में एडिट है, कुछ गलत है तो आप एडिट करके सही कर सकते हैं, अन्यथा आप इसमें एनेक्चर अटैच करें, उस पे क्लिक करें। उस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इसमें कुछ डॉक्यूमेंट के नाम है जैसे कि पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, सरकारी पहचान पत्र, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी के समय में सबके पास आधार कार्ड होता है तो इसलिए आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे चूज फाइल है इस पे हम इसके थ्रू उस फाइल में जाके आधार कार्ड को अपलोड करेंगे। यहाँ से हम आधार कार्ड इसमें अटैच कर दिए और सेव एनेक्चर पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब हमने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं ये प्रीव्यू जो दिखा रहा है दोस्तों, इसमें सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब फाइनल सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे जो कि ग्रीन कलर में है, पे क्लिक करने के बाद हमारा फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, और उसके लगभग 2 सप्ताह बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया जाता है। जैसा कि आप सेवा प्रदान करने की समय अवधि है वह 14 कार्य दिवस दिया गया है दोस्तों, यानी कि 2 सप्ताह। इस प्रकार से कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर चुके हैं, आप भी इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको अप्लाई करने में कोई समस्या हो तो आप कमेंट में हमें बताइएगा, हम उसमें हेल्प करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।